जैसे अनेक राज्यों से भौगोलिक रूप से बड़ा है। राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक की जनसंख्या दुनिया के अनेक राज्यों से अधिक है। राजस्थान शक्ति और समर्थ की भूमि है। देश और विदेश में उद्योग, व्यापार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए राजस्थान ने देश को अनेक प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा प्रोफेशनल दिए हैं। राजस्थान के युवाओं ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा और IIT की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। प्रदेश के निवासियों में अद्वितीय क्षमता, प्रतिभा और पोटेंशियल है, परंतु यह भी सत्य है कि राजस्थान औद्योगिक तथा मानव विकास के इंडिकेटर्स के परिप्रेक्ष्य में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के 12% से अधिक निवासी अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। मेरा विश्वास है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों का आम जनता से रिश्ता रूलिंग और रूलिंग क्लास का नहीं होना चाहिए। हम सब अपने समाज और अपने प्रदेश को बेहतर बनाने और प्रगति की इस यात्रा में पार्टनर्स हैं। मैं आज सदन से और राजस्थान की जनता से वर्तमान हालात ओपनली शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले राज्य की वित्तीय स्थिति। विगत 5 वर्ष के वित्तीय कुप्रबंधन ने एक बार पुनः राजस्थान की वित्तीय स्थिति का खस्ता हाल कर दिया है। वर्ष 1998 से 2003 के शासन में जितनी वित्तीय स्थिति पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी उससे भी खराब स्थिति अब की बार वर्ष 2008 से 2013 के शासन काल में हुई। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में जब हमने कार्य संभाला था तब राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपया था। वर्ष 2007-08 तक हमने इस घाटे को बदलकर 1,653 करोड़ रुपए का सरप्लस कर दिया। लेकिन पिछले 5 वर्षों की अकुशल गवर्नेंस राज्य को फिर राजस्व घाटे में ले आई। 2013-14 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार यह राजस्व घाटा लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में जब हमने बागडोर संभाली थी तब फिस्कल डिफिसिट 6.5% से अधिक था। इसको घटाकर हमने वर्ष 2007-08 में 1.75% कर दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने फिर से 3% से अधिक करके छोड़ दी। इससे राज्य के ऊपर कर्ज के भार का पहाड़ बढ़ गया है। मार्च 2008 के अंत में कर्ज तथा अन्य लायबिलिटीज का कुल भार 77,138 करोड़ रुपया था। मार्च 2014 में यह 53,502 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,30,640 करोड़ रुपए होना संभव है। यही नहीं, हर परिवार रेनी डे के लिए बचत करता है। जिम्मेदार मुखिया होने के नाते मैंने भी ऐसे दिनों के लिए FRBM एक्ट के माध्यम से राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन नीति स्थापित की थी। इस कोष में हम लगभग 850 करोड़ रुपए जमा करके छोड़ देते, लेकिन पिछली सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता की इस बजट को भी खत्म कर दिया। अफसोस की बात यह है कि इतना कर्ज देकर भी इसको प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं लगाया, बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने में ही उपयोग किया गया। वर्ष 2003-04 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब अतिरिक्त लिए गए कर्ज का केवल 42% ही पूंजीगत व्यय था। इसको बढ़ाकर हम वर्ष 2007-08 में 109% तक ले गए, जो कि GSDP का 3.4% था। राजस्व आधिक्य इंश्योर करने के कारण हम इतना अधिक पूंजीगत व्यय कर पाए। लेकिन एक बार पुनः गैर जिम्मेदारी का दौर आया और पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय घटकर GSDP का 2.95% रह गया। यहां तक कि वर्ष 2010-11 में तो यह नेट बोरोइंग्स का केवल 67% ही था। ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्ष तक कोई वित्तीय प्रबंधक था ही नहीं। मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगी। वर्ष 2008-09 तक, यानी कि जब हमने सरकार छोड़ी, तब राज्य की बिजली कंपनियों का कुल घाटा 15,000 करोड़ रुपए से लगभग था। पिछले 5 वर्षों में यह घाटा बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। अतः पिछले 5 वर्षों में बिजली कंपनियों का घाटा 7,000 करोड़ रुपए बढ़ा, जो कि शुरुआत से लेकर वर्ष 2008-09 तक के घाटे का 4 गुना है। इस विकट वित्तीय स्थिति से उबरने की कुशलता और काबिलियत दोनों मेरी पार्टी और मेरी सरकार में है। इस संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद समृद्ध और विकसित राजस्थान तथा सज्जन विकास और सज्जन उत्थान मेरी सरकार के मूल मंत्र होंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है और मेरी सरकार का संकल्प है कि
कि हमें वर्ष 2020 तक राजस्थान को एक शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें राज्य के आर्थिक विकास दर को 12% व प्रति व्यक्ति आय को 10% प्रति वर्ष बढ़ाना होगा। साथ ही हमें राज्य में शहरीकरण व गांव में शहरों जैसे आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना होगा। सड़क, बिजली, पानी, आवास, शैक्षणिक संस्थान तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने हेतु वृहद स्तर पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। विशेष तौर पर सेवाओं के क्षेत्र में भी इन्वेस्टर को आकर्षित करना होगा। जीएसडीपी के सेक्टोरल मिक्स को परिवर्तित करना होगा, आर्थिक ढांचे को पुनर्गठित करना होगा और निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा। हम अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। इस उद्देश्य हेतु आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ मैं अपने बजट भाषण में उठाए जा रहे कदमों, कार्यों तथा नीतिगत फैसलों का आगे उल्लेख करूंगी। टीम राजस्थान, जिसमें मुख्यमंत्री तथा सरकार ही नहीं अपितु समस्त सांसद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ तथा प्रदेश की पूरी जनता शामिल है, के हौसले बुलंद है और यही हमारा कार्य। मैं आशावादी हूं कि हमारी टीम समर्पण के साथ कार्य करते हुए विजन प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और फिर उड़ान वालों, हम उड़ानों पर भारी हैं, परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। राजस्थान रहे सरा अवसर रखना ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। पिछले बार जब हमारी सरकार ने शासन संभाला तो तुलना यह की जाती थी कि सड़कें अधिक खराब किस राज्य की हैं, मध्य प्रदेश की या राजस्थान की। मारे गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2008 तक जब हमने सरकार छोड़ी थी तब तुलना यह नहीं बदलती थी कि सड़कें गुजरात की बेहतर है या राजस्थान की। पिछले 5 वर्षों में राज्य की सड़क व्यवस्था पुनः चंद्रमा गई। पिछले वर्ष में मैंने राज्य में 14,000 किलोमीटर का सफर तय किया है और शायद ही मुझसे ज्यादा इस चंद्रमाई की स्थिति से कोई परिचित होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि सदन के उस मान्य सदस्य को छोड़कर जिसने पिछले 5 वर्षों में हवाई जहाज से नीचे पैर ही नहीं रखा, बाकी या उपस्थित पक्ष विपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्य राज्य की सड़कों की खस्ता हालत से भली भांति परिचय हैं। जयपुर से दिल्ली की यात्रा तो एक सजा है। मुझे अफसोस है कि यूपीए की सरकार होते हुए भी राज्य की कांग्रेस सरकार इस मुख्य सड़क तक को ठीक ठाक हालत में नहीं ला पाई। इस सड़क में मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का कोटेशन, अमेरिका डज नॉट हैव ग्रेट रोड्स बिकॉज इट इज अ ग्रेट कंट्री, इट इज अ ग्रेट कंट्री बिकॉज इट हैज ग्रेट रोड्स। अगर हमको विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है तो विश्व स्तरीय सड़क तंत्र भी हमको बनाना होगा। इसके लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। अतः इस महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य के सभी स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स व 5,000 किलोमीटर की ODRs टूरिस्ट तथा धार्मिक महत्व की सड़कों को शामिल करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 20,000 किलोमीटर के एक सड़क विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। मेरे गत शासन काल में हमने उत्तर दक्षिण राजस्थान को जोड़ने के लिए 1,000 किलोमीटर से अधिक के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया था। अब राज्य के 6 प्रमुख मार्गों की 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूप में विकास किया जाएगा। 20,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास रैपिड इंडेक्स 2,500 की गुणवत्ता तक करने के इस कार्यक्रम पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कुल विनियोजन किया जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपए का विनियोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने लगभग 7,000 किलोमीटर की सड़क की DPR बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन सड़कों के विकास कार्य इस वर्ष ही शुरू हो जाएंगे तथा वर्ष 2017 तक सभी 20,000 किलोमीटर की सड़कों के कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर लंबाई सड़क बनाने का कार्य होगा और वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम हेतु प्रारंभिक रूप से 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्ताव है। 20,000 किलोमीटर लंबाई सड़कें के योजनाबद्ध विकास हेतु राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। 1,00,000 किलोमीटर लंबाई की ODRs रोड्स के रख रखाव हेतु हम आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड्स कॉन्ट्रैक्ट पद्धति अपनाएंगे, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष के लिए इन सड़कों के रख रखाव हेतु सक्षम ठेकेदारों से संवादवार अनुबंध किया जाएगा। ओपीआरसी पद्धति पर सड़कों के रख रखाव के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए
इस वर्ष 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। राज्य के 9,000 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2 किलोमीटर लंबी सड़क का चयन कर आगामी 3 वर्षों में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से RCC की सड़कें तथा नालियों का निर्माण कर इन्हें ग्रामीण गौरवपथ के रूप में विकसित किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 250 से 499 तक की आबादी के 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 509 करोड़ रुपए की लागत से 1,294 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। भरतपुर संभाग में आमजन की आकांक्षाओं के अनुसार धौलपुर करौली तथा सागर माधोपुर जिले में 36,75,00,000 रुपए की लागत से 12 सड़क के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से करौली से कैला देवी तक का मार्ग, करौली इलेक्ट्रिक सर्कल से शिकारगंज तक CC सड़क, सवाई माधोपुर में करमोदा से कुस्तला के मध्य 13 किलोमीटर लंबाई का बाईपास और धौलपुर जिले के खारोली नगर मदासी तथा लालपुरा में 400 पुल और कैला देवी से करौली NDR संख्या 3 हायर को 2 लेन से 4 लेन के कार्य संबंधित हैं। राज्य के नागरिकों को शहरी ग्रामीण व अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन की सस्ती सुलभ सुरक्षित कुशल और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी सरकार के गुड गवर्नेंस एजेंडा की प्रमुख प्राथमिकता है। राज्य में लगभग 16,388 किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। RSRTC यथासंभव प्रयास करने के बाद भी राष्ट्रीयकृत सड़कों से जुड़े सभी शहरों और गांवों को सुलभ तथा पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। परिणामतः राज्य में अवैध बसों और जीपों इत्यादि के माध्यम से असुरक्षित परिवहन व्यापक रूप में प्रचलित है। अब वो जमाना नहीं रहा कि राष्ट्रीय उपक्रमों को कानूनी मंजूरी दी जाए। जनसंख्या भी बड़ी है और देश में निवेश करने की गुंजाइश है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधाजनक एवं लीगल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में बदलाव लाकर सुधार करना होगा। अतः मैं राष्ट्रीयकृत मार्गों को डीनेशनलाइज करने की घोषणा करती हूँ। राज्य में FSRTC की बसों के संचालन हेतु 80 बस अड्डे हैं। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए वांछित सुविधाओं का व्यापक अभाव है। इन बस अड्डों का उचित विकास कर न केवल बसों का सुचारू संचालन किया जा सकता है बल्कि यात्रियों को होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग इत्यादि पर निजी बसों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। राज्य के प्रमुख बस अड्डों को आधुनिक रूप में विकसित करने तथा वहां से रोडवेज तथा निजी बसों के सुलभ संचालन हेतु मैं राज्य में राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा करती हूँ। मैं इस वर्ष के परिवर्तित बजट में RSRTC के माध्यम से बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरेशन को इक्विटी देने के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही हूँ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनेक वर्षों से घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अरबों रुपयों का अनुदान उपलब्ध कराने के बावजूद भी राजस्थान रोडवेज का संचित घाटा वर्ष 2013-14 तक 1,974 करोड़ रुपए हो गया है। रोडवेज राज्य सरकार से सहायता और ऋण लेकर कर्मचारियों के पेंशन फंड उधार लेकर और बैंकों से ऋण लेकर किसी तरह से बसों का संचालन कर रहा है। इस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। राज्य सरकार ने RSRTC के साथ एक रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से RSRTC कर्मचारियों के जॉब्स पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, कोई भी जॉब्स पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने कमिटमेंट्स की पूर्ति करने पर राज्य सरकार RSRTC को 10 करोड़ रुपए प्रति माह का अनुदान देगी और मुझे विश्वास है कि रिफॉर्म लिंक्ड एजेंडा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर RSRTC एक अधिक सशक्त और प्रभावी ऑपरेटिव ग्रुप में अपने आप को स्थापित कर सके। वर्ष 1995 में भाजपा सरकार ने उदारीकरण की दृष्टि से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट समाप्त की थी। इससे अंतर्राज्यीय यातायात में तेजी से वृद्धि हुई जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वर्ष 1999-2000 में कांग्रेस सरकार ने वाणिज्य कर विभाग की चेक पोस्टों को पुनः स्थापित किया। वर्ष 2008 में हमने पुनः वाणिज्य कर विभाग की चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया। इसी क्रम में अब मैं 16 अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कंप्यूटराइज्ड बॉर्डर चेक पोस्ट एंड वेटेजेस सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। 1970s के दशक में जयपुर उदयपुर और जोधपुर वायु सेवा से जुड़े हुए थे। समय के साथ उम्मीद तो यह थी कि राज्य में वायुयान सेवाएं बढ़ेंगी,
और राजस्थान में अन्य पर्यटन तथा धार्मिक स्थल भी इन सुविधाओं से जुड़ेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। आज जयपुर से राजस्थान के किसी भी अन्य शहर तक वाईफाई सेवा उपलब्ध नहीं है। हम भारत सरकार के उपक्रम पवन हंस से धार्मिक स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ करने के लिए एमओयू कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने दो वायुयानों को भी ऐसे के रूप में उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। हमने यह निर्णय भी लिया है कि राज्य में जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन शेड्यूल हवाई सुविधा शुरू की जाएगी। पर्यटन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है। अतः हमने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान में उपलब्ध 16 हवाई पट्टियों में सुधार कर उन पर भी वायुयान कंपनियों को राजस्थान में ऑपरेट करने हेतु आकर्षित किया जाएगा। सर्वाधिकों की एसटी को बढ़ाकर शीघ्र क्रियाशील किया जाए। हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी निवासियों को 24/7 बिजली उपलब्ध कराना है। साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि राज्य में कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए कोई वेटिंग लिस्ट न हो और सभी किसानों को उनके आवेदन करते ही कृषि विद्युत कनेक्शन राज्य के सभी औद्योगिक वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त और गुणवत्ता युक्त बिजली मिले। मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल में ही विद्युत की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। जैसे कि मैं प्रारंभ में कह चुकी हूँ, राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों का संभावित घाटा 31 मार्च 2014 को लगभग 75,000 करोड़ रुपए हो चुका है। 36,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन करने तथा उसमें से लगभग 18,000 करोड़ रुपए के ऋणों का भार राज्य सरकार द्वारा अपने ऊपर लिए जाने के बाद भी इस विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों पर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज के भुगतान में खर्च होता है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनी जिसके कारण बिजली की दर 1.80 रुपए प्रति यूनिट बढ़ जाती है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों के संबंध प्रबंधन को व्यापक रूप से सुधारना बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का भी व्यापक पुनर्गठन करेंगे और विद्युत वितरण कंपनियों को अगले 3 वर्ष में लघु अवधि ऋणों की समस्या से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। इस हेतु बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की जॉब को सुरक्षित रखते हुए राज्य के कुछ शहरों में विद्युत वितरण का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जाएगा। गत 7 माह में काली से 600 मेगावाट यूनिट 1, चंबा 250 मेगावाट यूनिट 3 और रामगढ़ 3 टर्बाइन 50 मेगावाट में विद्युत उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर प्रारंभ कर राज्य की उत्पादन क्षमता में कुल 900 मेगावाट की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट चंबा चतुर्दिखाई और 600 मेगावाट काली से द्वितीय कुल 850 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में इसी वित्तीय वर्ष में कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ किया जाए। सूरतगढ़ और चंबा में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित प्रत्येक 2x660 मेगावाट परियोजनाओं पर त्वरित गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गैस का उचित मूल्य निर्धारण होने के पश्चात 160 मेगावाट ग्रामीण गैस परियोजना के चतुर्थ चरण का निर्माण कार्य भी इसी वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के विद्युत उत्पादन निगम का अगले 5 वर्षो में 6,500 मेगावाट से अधिक की नई विद्युत क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम है। राज्य में 31 दिसंबर 2013 तक लगभग 3,11,000 कृषि कनेक्शन आवेदन प्रमित है। इन सभी आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए हैं। हम वर्ष 2014-15 में 40,000 कृषि कनेक्शन जारी करेंगे और ये कनेक्शन 31 दिसंबर 2013। ऐसे किसान जिन्होंने 31 दिसंबर 2013 तक कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति योजना के तहत प्राथमिकता से कनेक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे किसानों को पूंजीगत राशि जमा कराने तथा बूंद-बूंद सिंचाई को लागू दर से विद्युत शुल्क देने पर प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध करवाई जाएगी। जल स्तर तेजी से नीचे गिरने के कारण डाक जोन में कृषि विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, परंतु किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डाक जोन में कृषि कनेक्शन दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर राज्य सरकार किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उन्हें पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर का भुगतान करने पर और निर्माण कनेक्शन देगी। राज्य के डाकों से बाहर सामान्य क्षेत्र में भी वर्ष 2015-16 से सरकार पूर्ण सिंचाई योजना के तहत और निर्माण कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा
राज्य में वर्ष 2014-15 में 400 केवी के 3, 220 केवी के 9 तथा 132 केवी के 11 नए ग्रिड सबस्टेशन पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 33 केवी के 220 सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में अन्य सुधार करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में उत्पादन और प्रसारण कंपनियों का डेट इक्विटी रेशियो ठीक नहीं है और इक्विटी केवल 20% है। इस रेशियो को 70-30 करने से और इस इक्विटी पर लाभ अर्जित करने की अनुमति देने से विद्युत उत्पादन निगम एवं प्रसारण निगम बाजार से अंश पूंजी प्राप्त कर सकेंगे और कम ब्याज दर पर ऋण उठाने में भी सक्षम हो पाएंगे। भारत सरकार के उद्यम एनटीपीसी और पावर ग्रिड की तरह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ साथ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को भी सशक्त बनाने के लिए राज्य की अंश पूंजी 10% राशि का निवेश किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि काफी कम समय में ही राज्य के दोनों निगम विद्युत क्षेत्र में अपने आप को सशक्त इकाई के रूप में स्थापित कर सकेंगे। मैंने फरवरी 2014 में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि राजस्थान अगले 5 वर्षों में सोलह ऊर्जा से 25,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू करेगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में आवश्यक जरूरी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान सरकार शीघ्र ही 25,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के कार्य को मूर्त रूप देने के लिए नई सोलह ऊर्जा नीति की घोषणा करेगी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य में लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का नियोजन होगा, जिसमें से लगभग 25 से 40 हजार करोड़ रुपए का नियोजन अंश पूंजी के रूप में होगा। राज्य सरकार 1,000 मेगावाट से बड़े 100 ऊर्जा पार्क्स को निजी या संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करना प्रोत्साहित करेगी। भूमि के योगदान से ऐसे संयुक्त उपक्रमों में राज्य सरकार 26% तक अंश पूंजी देने के लिए भी तैयार होगी। राज्य के दूर दराज के गाँव में जहाँ जनसंख्या कम है विद्युत ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति करना अत्यंत खर्चीला है, साथ ही निरंतर विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। ऐसे सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार सोलर लोकल सोलर ग्रिड और स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम के माध्यम से विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेगी। ऐसे 10,000 गांवों का ग्रामीणों में इस पद्धति से अगले 5 वर्षों में विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस कार्यक्रम की इसी वर्ष शुरुआत करने के लिए मैं राज्य योजना मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही हूँ। नवीन ऊर्जा स्रोत से उत्पादित विद्युत का राज्य तथा देश के ग्रिड में ट्रांसमिशन हेतु जैसे में जोधपुर बाड़मेर और बीकानेर जिलों में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र विकसित किया जाए। 1,21,133 गांव मंडलों में बसे राज्य के ग्रामीण निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक 69,085 गांव ग्रामीणों को ही पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में भी व्यापक सुधार आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत तथा पीएचईडी के माध्यम से 5 लाख से अधिक हैंडपंप लगाए गए हैं। 6,523 जनता जल योजनाओं को पंचायतों को सुपुर्द किया जा चुका है। साथ ही 17,000 से अधिक अन्य ग्रामीण जल योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। हैंडपंप के लोकेशन का चयन, उन पर नियंत्रण और उनके रख रखाव में आज की कुरीतियों का सुधार आवश्यक है। जनता जल योजनाओं के लिए पीएचईडी पंचायत राज विभाग तथा पंचायतों के ओवरलैप के नियंत्रण को भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें ग्रामीण जनता योजनाओं के लिए प्रभावी रूप से उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से मैं घोषणा करती हूँ कि सभी पंचायत स्तरीय पेयजल योजनाओं को एक बार पीएचईडी के माध्यम से दुरुस्त कर पंचायतों को सुपुर्द कर दिया जाए। पंचायतों के पास उपलब्ध टीएससी और एसएफसी अनुदान का एक निर्धारित अंश पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इन योजनाओं का सुनियोजित तथा कुशल तकनीकी प्रबंधन हो सके इस हेतु पर्याप्त इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी स्टाफ प्रत्येक पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे और पंचायत समितियों को इन योजनाओं का संचालन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। वर्ष 2014-15 में कुल 3,173 नए गाँव मंडलों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 570 अनुसूचित जाति बाहुल्य, 390 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य
तथा 100 अल्पसंख्यक 52 गांव घाटियों भी शामिल है। राज्य में 23,956 गांव घाटियों में गुणवत्ता प्रभावित पेयजल समस्या है। आरोप तकनीक पर आधारित 800 से अधिक की जनसंख्या वाले गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन में 1,000 आरोप संयंत्र लगाए जाने का कार्य भी हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार प्रयास करेगी कि ऐसे 5,000 से अधिक प्रभावित गांव घाटियों में आरोप अथवा अन्य तकनीकी संयंत्र लगाकर उन्हें शुद्ध तथा अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाए। राजस्थान में देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.5% व मानव जनसंख्या 5.6% है, पर सतही जल मार्ग मात्र 1.15% है। मैं जानती हूँ कि पेयजल की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए भारी इन्वेस्टमेंट का आवश्यक होता है, फिर भी आश्चर्य का विषय है कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य जल आपूर्ति तथा सैनिटेशन पर राज्य में पूंजीगत व्यय के अंश में गिरावट है। फिर यातायात वर्ष 2012-13-14 पेयजल की 41 बड़ी योजना बिना वित्तीय प्रबंधन के स्वीकृत कर दी गई। वर्ष 2013-14 में गत सरकार के कार्यकाल की समाप्ति के समय 67 मिलियन पेयजल योजनाएं जिनमें 25,976 करोड़ रुपए का पूंजीगत विनियोजन होना है विभिन्न स्थलों पर अपूर्ण थी। इनके अलावा 10 अन्य बृहद योजना पर भी 3,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि का कमिटमेंट कर दिया गया। आगामी 5 वर्षों में हम पेयजल की बृहद परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैंने सभी 67 लंबित योजनाओं की समीक्षा की है। मैंने राज्य का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय बृहद परियोजना के लिए 2,171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मैं अब 290 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर रही हूँ ताकि निम्न 12 परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाए। फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिलाई मसूदा एसएचएल अजमेर लागत 74 करोड़ 65 लाख रुपए। शहरी जलापूर्ति योजना मकराना जिला नागौर का पुनर्गठन लागत 48 करोड़ 70 लाख रुपए। फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना किसानगंज जिला अजमेर लागत 221 करोड़ 24 लाख रुपए। ग्रामीण जलापूर्ति योजना रेवा जिला झाबा खराबाड़ लागत 48 करोड़ 50 लाख रुपया। जलापूर्ति योजना भीमनी और जलापूर्ति योजना मालवी जिला झालावाड़ लागत 30 करोड़ 87 लाख रुपया। जलापूर्ति योजना खुड़ियाला जियादेवी आगुलाई जिला जोधपुर लागत 74 करोड़ 38 लाख रुपया। नर्मदा एहबार लागत 303 करोड़ 38 लाख रुपये। जवाई पाइपलाइन परियोजना द्वितीय चरण जिला पाली लागत 199 करोड़ 40 लाख रुपया। देवास परियोजना द्वितीय चरण जिला उदयपुर लागत 379 करोड़ 19 लाख रुपये। बीसलपुर बाग में नवा बेसिक के 72 गांव ग्रामीण जलापूर्ति योजना जिला नागौर लागत 128 करोड़ 72 लाख रुपये। जलापूर्ति योजना कोलायत तहसील जिला बीकानेर लागत 96 करोड़ रुपये। राज्य की जल संसाधनों पर पेयजल की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। हमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र के विकास के साथ 2 नए शहरों का निर्माण करना है। भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटीज की योजना में भी हम कम से कम 5 स्मार्ट सिटीज का निर्माण करना चाहते हैं। हम राज्य के अनेक शहरों को शिक्षा मेडिकल और टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। जल की व्यवस्था सतही स्रोत से ही संभव है जो विराट सीमा क्षेत्र में ही उपलब्ध है। इस महत्वाकांक्षी शहरीकरण और पूरे राज्य में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की स्थापना पर कार्यकारी करने की घोषणा करती हूँ। राज्य में 1998 के पश्चात वाटर चार्जर में बदलाव नहीं किया गया है। इसके पश्चात विद्युत चार्जर पेयजल तथा अन्य टेम्पू की कीमतों में वृद्धि हुई है। राज्य जल नीति 2010 राष्ट्रीय जल नीति 2012 तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में कम से कम संधारण एवं संचालन की व्यय वसूली किया जाना वांछनीय बताया है। राज्य को अगर भारत सरकार से JNURN के रुके हुए 227 करोड़ रुपए और शहरी विकास की बड़ी योजनाओं के लिए मिलने वाली सहायता लेनी है तो जलदाय योजना के संचालन एवं संधारण के संबंध में इस योजना की कंडीशनैलिटी को मानना होगा। अतः राज्य में वाटर चार्जर की समीक्षा कर इन्हें तत्समय बनाया जाएगा। साथ ही JNURN कंडीशनैलिटी को पूरा करने के लिए राज्य में अर्न टैक्स को भी तत्समय बनाकर लागू किया जाएगा। राज्य के सीमित जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य के नदी बेसिनों में उपलब्ध जल का पूर्ण और समग्र विकास करना अति आवश्यक है।
फोर वाटर कॉन्सेप्ट आधारित योजना यथा वर्षा जल, सतही जल, भूजल तथा सॉइल मॉइस्चर चारों प्रकार के जलों के एकीकृत प्रबंधन पर आधारित है। हमने राज्य के नदी बेसिन का विकास फोर वाटर कॉन्सेप्ट पर करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के माध्यम से हम नदी तथा नालों को पुनर्जीवित करने और नदियों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसान और निवासियों की सक्रिय भागीदारी होगी। राज्य रिवर बेसिन में उपलब्ध जल के उपयोग तथा एक बेसिन से दूसरे बेसिन में डायवर्जन से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने हेतु मैं राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के गठन की घोषणा करती हूँ। फोर वाटर कॉन्सेप्ट पर लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से दो पायलट परियोजनाएं चंबल की सहायक नदी आहू तथा माही की सहायक नदी गुनार पर शुरू की है। इन पायलट प्रोजेक्ट परियोजनाओं को आगामी वर्ष में वर्षा ऋतु से पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जल विभाग द्वारा फोर वाटर कॉन्सेप्ट के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए इस परियोजना पर 3 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सिंचाई परियोजना से संबंधित कार्यों की मैं घोषणा करती हूँ। जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका द्वारा घोषित राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अंतर्गत 60 उप परियोजनाएं वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर 35,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। समर सरोवर अलवर पुनरुद्धार का कार्य, उबापान उदयपुर रोहिणी उदयपुर लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य 4 वर्ष में पूर्ण किया जाकर कुल 2,803 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का सिंचन किया जाएगा। जिला चित्तौड़ की तहसील बेली में ब्रह्मणी नदी पर बांध का निर्माण कर 75 करोड़ रुपए की लागत से करवाई जाएगी। चंबल सिंचित क्षेत्र में जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 12 जिले में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 13 पक्के घरों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। पाली जिले में स्थित जवाई बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राज्य के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, भागा नहर परियोजना तथा सिद्धबुक नोवर नहर परियोजना जीवन की लाइफलाइन है। आईजीएमपी योजना के प्रथम चरण का निर्माण हुए भी अब 50 साल हो चुके हैं। इन नहरों की सफाई और पुनरुद्धार तथा लिफ्ट नहर के क्षेत्रों में विशेषकर बूंद बूंद द्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाना आवश्यक है। अगले 3 वर्षों में इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण की नहरों की सफाई और मरम्मत के साथ साथ एक्सटेंशन, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं आवश्यक प्रारंभ कर रही हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की द्वितीय चरण की 6 बिलियन परियोजना के माध्यम से 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस क्षेत्र में ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम के चरणबद्ध रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना पर कार्य आरंभ किया जाएगा। बीकानेर संभाग विशेषकर हनुमान जिले में अभी भी सेम की गंभीर समस्या है। इसके समाधान हेतु विशेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। बाका नहर यानी की शेष 374 किलोमीटर लंबी नहरों को पक्का कराने की परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की द्वितीय चरण की नहरों तथा कवसे लिफ्ट प्रणाली का पुनरुद्धार की परियोजना हेतु DPR तैयार किए जाएंगे और उनकी क्रियान्वित होगी। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नहर प्रणाली अमर सिंह सब ग्राम परियोजना के शेष रह खालों का भी निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु गंग नहर परियोजना के फेज प्रथम में 44,875 हेक्टेयर में 185 करोड़ रुपए की लागत के पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु DPR तैयार की जाएगी और इसी तरह से सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में 23,822 हेक्टेयर में 115 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य, अमर सिंह सब ग्राम परियोजना में 11,720 हेक्टेयर में 55 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य और भाखड़ा नहर प्रणाली जहाँ नहरें पक्की बन चुकी हैं उनके 1,13,420 हेक्टेयर में 411 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु DPR बनाई जाएगी और उनकी क्रियान्वित की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ बनाई सड़कों का उपयोग
उपयोग अब न केवल नहरों के रखने का हेतु होता है बल्कि नहरों के रखने का हेतु होता है बल्कि लोगों की आवागमन में भी ये सड़कें उपयोग में आती है। हमने जल संसाधन विभाग और राज्य की 476 किलोमीटर लंबाई की 98 सड़कों के संधारण तथा पुनर्निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इन सड़कों का अब चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हमें सुनियोजित शहरीकरण और शहर में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। शहरों के पेयजल सीवरेज तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन 3 संस्था रुडिफको और रावल में हो रहा है। पीएचईडी द्वारा भी ऐसे कुछ योजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया हुआ है। तो रुडिफको में रुडिफ तथा रावल का उल्लेख कर इसका राजस्थान गवर्नमेंट ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ग्रुप में पुनर्गठन कर सभी पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं को इसमें स्थानांतरित किया जाएगा। इस पुनर्गठित कॉर्पोरेशन में JNNURL, URDSSMT तथा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अन्य परियोजनाओं के कार्यों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य के 6 शहर पाली टॉप भीमा हमारा गंगानगर तथा झुंझुनू में 2,170 करोड़ रुपए का निवेश कर शहरी जल प्रबंधन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 250 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट लोन लिया गया है। साथ ही 250 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम लोन राज्य में नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा। ये योजना भी पुनर्गठित राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। राज्य के शहरों सैटेलाइट टाउन कॉलोनीज और हाउसिंग के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार ये निर्णय शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु गुजरात के कंट्री एंड टाउन प्लानिंग एक्ट की तर्ज पर राजस्थान टाउन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट बिल अपार्टमेंट्स के सामूहिक उपयोग के क्षेत्र वस्तुओं के उपयोग तथा स्वामित्व का विधिक अधिकार क्रेताओं को दिए जाने के लिए राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप बिल नगरीय क्षेत्र में भूमि के सर्वे भूमि संबंधी रिकॉर्ड की मेंटेनेंस तथा टाइटल के सर्टिफिकेशन हेतु राजस्थान अर्बन लैंड सर्टिफिकेशन टाइटल बिल और राजस्थित असीमित प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा निर्मित हेरिटेज के संरक्षण की दृष्टि से हेरिटेज कॉन्जर्वेशन बिल लाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुल 184 नगरपालिका क्षेत्रों में से 179 मास्टर प्लान अनुमोदित किए जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 में शेष 5 शहर लोसर कैथुरु पीलीबंगा भीलवाड़ा और करौली के मास्टर प्लान लागू किए जाएंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना को इस वर्ष लागू किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का विनियोजन कर जयपुर में मात्र 12 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का कार्य शुरू किया है। आर्थिक दृष्टि से जयपुर में मेट्रो रेल की स्थापना एक अच्छे निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। जैसा कि मैंने पूर्व में सदन में अपने भाषण में कहा था जयपुर शहर की मेट्रो पर लगाए जा रहे 3,400 करोड़ रुपए से 110 रोड ओवरब्रिज अथवा 5,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूरे प्रदेश में बन सकती थी। यही नहीं इस मेट्रो को चलाने में कम से कम 60 से 80 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान राज्य को उठाना होगा। यानी राजस्थान के गांव हेतु 30 से 40 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हर वर्ष कम बनेगी। विशेषज्ञों की माने तो इस परियोजना के बारे में जल्दबाजी की गई थी। परियोजना ही नहीं मेट्रो की ट्रेन लाने में भी अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई। चार पुल से बड़ी चौपड़ तक की लाइन पर कमर्शियल ऑपरेशन 44 महीनों में शुरू होगा यानी वर्ष 2018 में। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस देश के लिए 100 करोड़ रुपए की दो मेट्रो रेल वर्ष 2012 में ही खरीदने का निर्णय ले लिया और अब 3.5 वर्षों तक इन मेट्रो रेल में जाम लगेगा। लेकिन फेज वन में खर्च 2100 करोड़ रुपए उपयोग किए बिना भी छोड़ दिए जा सकते और हमारा विश्लेषण बताता है कि फेज वन भी नहीं बनने से ऑपरेशन प्रोसेस और बढ़ेगी। इस विश्लेषण के आधार पर हमने निर्णय लिया है कि फेज वन का कार्य भी हम पूरा कराएंगे। राज्य सरकार द्वारा गांव के समग्र विकास के दृष्टिकोण से श्री योजना के तहत 5 योजना ग्राम स्वच्छता चिकित्सा स्वास्थ्य सड़क शिक्षा और विद्युत योजनाओं का ग्राम स्तर पर कन्वर्जेंस किया जाएगा। इसी प्रकार बीपीएल परिवार को केंद्र बिंदु बनाकर स्वावलंबन योजना अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का कन्वर्जेंस कर उन्हें भी लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाए। इस योजना के लाभों की डिलीवरी और मॉनिटरिंग भामाशाह प्लेटफॉर्म से की जाएगी। राज्य के कई क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हैं। ऐसे जनजाति मगरा डांग गुजर बांगड़े और मेवा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सेवाओं के लिए गठित संस्थाएं मेवा क्षेत्रीय विकास और मगरा क्षेत्रीय
देवनारायण बोर्ड, डाउन क्षेत्र विकास बोर्ड को स्टडी किया जाए। ये संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए चल रहे सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स चिन्हित करेगी। मैं अगले 5 वर्षों के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स के विकास के लिए जनजातीय क्षेत्र हेतु 1,000 करोड़ रुपया, मेरा क्षेत्र हेतु 300 करोड़ रुपया, मगरा योजना हेतु 300 करोड़ रुपया, देवनारायण योजना के लिए 500 करोड़ रुपया और डाल क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में विकास और रोजगार सुदृढ़ करने के लिए और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में गुरु गोविंद जन भागीदारी विकास योजना पुनः शुरू की जाएगी। वर्तमान में चल रही ग्रामीण जन भागीदारी योजनाओं को गुरु गोविंद जन भागीदारी योजना में सम्मिलित कर इस वर्ष योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। भारत सरकार ने हमारी मांग स्वीकार कर महानरेगा योजना में संपत्ति सृजन करने वाले कार्य को भी सम्मिलित कर दिया है। राज्य में रेल अंडरब्रिज व खानों के निर्माण कार्य महानरेगा योजना से परिवर्जन स्तर करवाए जाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और सभी कृषि जोतों का 5 साल में एक बार मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 55 नवीन सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी, जिन पर 18 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। भरतपुर में एक नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा एक कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इस वर्ष 1,16,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 3,10,000 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वर्ष 2014-15 में 4,850 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41,932 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा 611 आंगनबाड़ी भवनों की अपग्रेडेशन हेतु 276,42,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अलवर, चिरावा, सेमारी, बगड़, आमबगड़ और अम्बा माता में अनुसूचित जाति के 6 तथा अलवर, बगड़, खंडेला, विकास नगर तथा भवराना में अनुसूचित जनजाति के 5 बालक छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिनकी कुल लागत 26,67,00,000 रुपए होगी। इन छात्रावास भवनों के निर्माण में वर्ष 2014-15 में 3,86,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य 8 ब्लॉक्स कामा, नगर, चौटन, रामगढ़, किशनगढ़वास, लक्ष्मणगढ़, तिजारा तथा सब में अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में चिकित्सा उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षा सहयोगी, शिक्षा सामग्री तथा कंप्यूटर इत्यादि की सुविधाओं के लिए मदरसा बोर्ड को 58 करोड़ रुपए दिए जाने प्रस्तावित है। चिकित्सकों की कमी दूर करने और जिला स्तर पर उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर, अलवर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाड़ा में 7 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। नए चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 700 सीटें होंगी। प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पूंजीगत मद में 189 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कैंसर के इलाज तथा अनुसंधान हेतु राज्य के झालावाड़ और बीकानेर जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्य स्तरीय कैंसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा कर दी। इन टर्शियरी सेंटर की स्थापना पर 45 करोड़ रुपए तथा राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना पर 120 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में राज्य के बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक अस्पताल पर 50 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। राज्य में 1,079 लोक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराने हेतु 248 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर विशेष तौर से ह्यूमैनिटीज क्षेत्र में लगभग सभी पाठ्यक्रमों में कौशल या स्किल विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप देश के अधिकतर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं होते। कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रमों को स्किल के विकास से इंटीग्रेट करने के उद्देश्य से राज्य में पीपीपी मोड में एक स्किल्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा कर रहा है।
हमारे घर तारे काले, राज विश्व भरतर ने मत से विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। इनके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं 4,88,00,000 रुपए राज विश्व भरतर से विश्वविद्यालय के लिए तथा 4,18,00,000 रुपए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान प्रस्तावित कर रहे हैं। महाराजा विश्व विश्वविद्यालय के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि करवाई जाएगी। राजकीय सीकर बीकानेर कोटा अजमेर भीमवाड़ा भरतपुर चूरू जयपुर अलवर तथा दौसा जिले में 11 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके प्रत्येक में 5,500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके इस हेतु मैं इन महाविद्यालयों का संकाय गठन कर 15 और नए महाविद्यालय बनाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में वर्तमान में 11 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं। इनमें से 8 महाविद्यालय स्वपोषित आधार पर सोसाइटीज के माध्यम से संचालित हैं। इसी व्यवस्था के तहत भोजपुर 12 सहित 3 नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान में राज्य के 2,392 विद्यालय में 10,516 कक्षाओं का निर्माण, 661 शौचालय तथा 116 पेयजल सुविधा सहित कुल 11,293 इकाइयों का निर्माण करने का कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुआ था। दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इन निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका, जिससे इसकी निर्माण लागत 504 करोड़ रुपए से बढ़कर 748 करोड़ रुपए हो गई। इन 2,392 विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु मैं राज्य आयोजना बल से 244 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 35,000 बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कर सत्र 2014-15 से संचालन किया जाएगा। राज्य के हनुमानगढ़ तथा डूंगरपुर जिलों में 2 खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण कार्य 3,16,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 940 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भवन, 2,609 अतिरिक्त क्लासरूम, बालिकाओं में 678 जल सहित शौचालय, 155 पेयजल सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा। इन निर्माण कार्यों पर 303 करोड़ 32 लाख रुपए का व्यय होगा। अनेक प्रशासनिक भवन जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भवन तथा आवासीय कॉलोनियां जैसे इंदिरा गांधी नगर का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसे रीडेवलपमेंट से वर्तमान में उपलब्ध फ्लोर स्पेस से कई गुना अधिक फ्लोर स्पेस मिल सकता है। इन परियोजना हम भारत सरकार के उपक्रम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित करेंगे। राज्य में आधारभूत संरचना के विकास आर्थिक विकास दर 12% प्रतिवर्ष के उच्च स्तर पर ले जाने तथा प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत कदम उठाए। साथ ही सार्वजनिक संसाधनों का भी निवेश करेगी। उच्च विकास के साथ साथ समाज के गरीब पिछड़े एवं वंचित वर्गों का विकास भी मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हम उच्च विकास तथा समावेशी विकास दोनों के लिए कार्य करेंगे। हम राज्य में नई निवेश प्रोत्साहन नीति लाएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि सेवा क्षेत्रों में निवेश करने पर पूंजीगत निवेश है सम्मिलित बैंक पर छूट निवेश अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही डेयरी उद्योग तथा प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने वाले उद्योगों को सम्मिलित कर इसी माह में नए निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की जाएगी। नई निवेश प्रोत्साहन नीति में राज्य के पिछले भौगोलिक क्षेत्रों ट्रस्ट सेक्टर्स में विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट नीतियां एवं प्रोत्साहन प्रावधान तथा बड़े तथा अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों एवं सेवाओं के लिए कस्टमाइज पैकेजिंग का भी प्रावधान होगा। केंद्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति का उदारीकरण किया गया है। डिफेंस ऑफसेट्स का उपयोग राजस्थान में करने के साथ ही रक्षा क्षेत्र में एफडीआई और डोमेस्टिक निवेश को आकर्षित करने